अस्सलाम वालेकुम वसल्लम। क्लोज एक्टिव फार्म से आज हम फूड एडिटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को डिस्कस कर लिए। देखिए, नाम से ही जाहिर है फूड एडिटिव, फूड में कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है जो उसकी अपेयरेंस, उसके टेस्ट, उसके फ्लेवर और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी और साथ उसे बैक्टेरियल एक्शन से बचाया गया क्योंकि वो काफी अर्से तक प्रिजर्व रह सके। तो हम देखेंगे फूड एडिटिव्स क्या है, उनका क्या काम है और फूड प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेशन के मेथड क्या है और होती क्या है, ये तमाम चीजें आज हमारे डिस्कशन का हिस्सा होंगी। मैं हूं सर मुशाहिद अदर, आए बिस्मिल्लाह करते हैं। फूड एडिटिव्स, दीज आर सब्सटेंस एडेड टू फूड टू प्रिजर्व फ्लेवर, उसका फ्लेवर प्रिजर्व करने के लिए, इनहेंस टेस्ट, उस चीज का टेस्ट बढ़ाने के लिए, अपेयरेंस अच्छी करने के लिए या दूसरे सेंसरी क्वालिटीज अच्छी हो के देखने में अच्छा लगे। सेकंड, इट इंक्लूड्स एंटीऑक्सीडेंट्स। फूड एडिटिव्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं, कलरिंग करना भी आते हैं, मतलब कि चीजों में जो आपकी जामे शीरी है वो सुर्ख कलर के, उसे कलरिंग की गई है क्योंकि है तो शीरा लेकिन फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, कोई स्पेसिफिक टेस्ट देने वाले होते हैं, मल्सिफायर, स्टेबलाइजर, स्वीटनर और एनी इन्फेक्टिव, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स इसका पार्ट होते हैं। मोस्टली फूड एडिटिव्स हैव लिटिल और नो न्यूट्रिएंट वैल्यू, ये जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, इनकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, बहुत कम होती है। सिंस एंशियंट टाइम्स टेबल सैट हैज बीन प्रिजर्वेटिव फॉर फिश, मीट एंड बीफ, जो गोश्त होती हैं उसे किस तरह सेव करते हैं, नमक लगा देना वो सेव हो जाता है उसके ऊपर। शुगर हैज बीन यूज टू प्रिजर्व जेली, फ्रूट जैम्स एंड फ्रूट प्रिजर्वेटिव, जो मीठी चीजें होते हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए हम उसे शुगर के सोल्यूशन में रखते हैं, यह भी डिटेल आई गया आगे। एट प्रेजेंट मोर देन 2500 फूड एडिटिव हैव बीन डिस्कवर्ड। टाइप्स क्या है फूड एडिटिव के, प्रिजर्वेटिव भी फूड एडिटिव, अब इनका काम क्या है, प्रिवेंट स्लो डाउन बैक्टेरिया ग्रोथ, जो बैक्टेरिया, फंजाई, एलजी, इन सब की जो ग्रोथ है जो प्लांट को खराब करती हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। एंटीऑक्सीडेंट ये होते हैं कि किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उसके साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देगा, इसका फायदा होगा कि चीजें खराब नहीं होगी, आपके सेल हो चाहे फ्रूट हो। थर्ड है फ्लेवरिंग एजेंट, ये ऐसे हैं जो स्मेल या टेस्ट देते हैं। देखिए, स्टेबलाइजर ऐसे प्रिजर्वेटिव, दो लिक्विड है उन्हें आपस में मिक्स करना है, मिक्स नहीं हो रहे तो स्टेबलाइजर और मेल्सिफायर यूज होते हैं, तो ये भी एडिटिव है। कलरिंग एजेंट, आप कोई भी फ्रूट देखें, जूस देखें, उनका कलर डिफरेंट है तो वो कलरिंग उसमें डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल वो जर्दे में जो आप कलर नहीं डालते वो रंग बिरंग का हो जाता है। थिकनिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड को गाढ़ा कर देते हैं। फूड प्रिजर्वेशन क्या होते हैं, फूड को सेव करना जैसे सिंपल है, इट रेफर्स ऑफ एनी नंबर ऑफ मेथड बाय विच फूड इज केप्ट फ्रॉम स्पॉइलेज आफ्टर हार्वेस्ट और स्लाइडर, फूड हासिल करने के बाद ऐसे मेथड जिनसे फूड खराब ना हो इसे फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं, या इसकी सेकेंड डेफिनेशन है। इट रेफर्स टू फूड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस व्हिच प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फूड को इस तरह प्रोसेस करना है, स्टोर करना है, यूज करना है कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बीस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह की ग्रोथ को रोक सके, एंड स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट दैट कॉजेज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी कहते हैं कि ऑक्सीडेशन के वजह से, मॉइस्चर की वजह से, वाटर की वजह से कोई चीज खराब हो जाए तो आपने ऐसा करना है कि उसे खराब नहीं होने देना। फूड डिटोरिएशन कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या है, डिटोरिएट का मतलब होता है खराब हो जाना, फूड डिटोरिएशन फूड खराब हो जाना। ऑल फूड अंडरस्कोर वेरिंग डिग्री ऑफ डिटोरिएशन ड्यूरिंग स्टोर, जब फूड प्रिजर्वेशन की बात हो रही तो हमने कहा था डिफरेंट स्टेप में फूड खराब होता है, तो डिफरेंट स्टेप में फूड डिटोरिएट हो रहा है, जब स्टोर करें आपने क्रॉप ले लिया, जब उसे आप स्टोर करेंगे तब मसला होगा। डिटोरिएशन में इंक्लूड लॉस इन ऑर्गेनोलैक्टिक डिजायरेबिलिटी, ऑर्गेनोलैक्टिक डिजायरेबिलिटी इसे कहते हैं कि जो सेंस हम उसे देखें, चखें, हमें उसका टेस्ट अच्छा लगे, सेंस की एबिलिटी है। न्यूट्रिशन वैलिटी, सेफ्टी एंड एस्थेटिक अपील, एस्थेटिक अपील इसे कहते हैं कि वो आपको खूबसूरत नजर आए। अब होगा क्या डिटोरिएशन में, फूड में चेंज इन कलर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड क्वालिटी, इन तीन चीजों में से चार चीजों में कुछ भी चेंज हो जाए तो हम कहेंगे फूड डिटोरिएट हो गया। फूड डिटोरिएशन काजेस कौन कौन से हैं, क्यों खराब हो जाते हैं, फर्स्ट है ग्रोथ एंड एक्टिविटीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड है एक्टिविटीज ऑफ फूड इन फूड के अंदर भी एंजाइम्स जिनकी अपनी एक्टिविटी है, थर्ड है अदर केमिकल रिएक्शन विद इन फूड,
infestation by insects, parasites and rodents. Inappropriate temperature for given foods, either gain or loss of moisture, उसके अंदर जो पानी है. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, लाइट टाइम, फिजिकल स्ट्रेस. फिजिकल से ऐप पहले फिजिकल स्ट्रेस देंगे वो खराब हो जाएगा. ऊपर से कोई फ्रूट है वो जमीन पे गिरा वो खराब हो सकता है. अच्छा, फूड प्रिजर्वेशन मैट्रिक्स क्या है या कंट्रोलिंग मेथड ऑफ डिटोरिएशन क्या है, ये दोनों चीजें हैं, एक ही हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम हीट से फूड को प्रिजर्व या डिटोरिएशन मेथड को कंट्रोल कर सकते हैं. किस तरह? अब हीट को जब हम किसी चीज को हम गर्म करेंगे ना, जो मिल्क वाली कंपनी होती है वो दूध को गर्म करते हैं, क्या होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ वाला टेम्परेचर होता है वो उससे ऊपर जब गर्म करते हैं बैक्टीरिया और दूसरी चीजें मर जाते हैं. फूड कोई अंदर कोई चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता नहीं है तो फूड खराब नहीं होता. मोस्ट बैक्टीरिया यील्ड्स बेस्ट सर्वाइव्ड इन 16 to 38 टेम्परेचर रेंज. इस टेम्परेचर रेंज में बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जिन्हें कुछ नहीं होता, वो खुशी से रहते हैं, उनका पसंदीदा इन्वायरमेंट है. थर्मोफाइल बैक्टीरिया, थर्म कहते हैं हीट, फाइल कहते हैं लवर, जो हीट लवर बैक्टीरिया हैं इफेक्टिवली ग्रो इन 66 to 82 सीरेंज. इस रेंज में जो थर्मोफाइल बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. मोस्ट बैक्टीरिया आर किल्ड इन 82 to 93, बट फॉर टोटल डिस्ट्रक्शन 121 मस्ट बी मेंटेन फॉर 15 और लोंगर इन ऑटोक्लेव. लेकिन अगर आप सारे बैक्टीरिया को खत्म करना चाहते हैं तो आपको 121 सी का टेम्परेचर चाहिए होगा और ये ऑटोक्लेव में चाहिए होगा. ऑटोक्लेव जिस तरह आपके घर में ओवन होता है ना, इसी तरह ऑटोक्लेव की मशीन होते हैं, ये किसी चीज को इतना टेम्परेचर देती है कि जितनी जरूरत हो. दूसरा मेथड है कोल्ड, ठंडा करके सेव कर लेना. मोस्ट बैक्टीरिया यीस्ट मोल्ड बेस्ट सर्वाइव इन 16 to 38 रेंज. वही बात है, बिलो 10 सी ग्रोथ इज स्लो एंड बिकम स्लोअर एज इट गेट्स मोर क्लोडेड. 10 सी से जब टेम्परेचर कम होता है उनकी ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाती है. व्हेन वाटर फ्रीजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ स्टॉप, जब पानी जीरो सी हुआ, बर्फ ठंडी हो गई तो उनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है. मैंने स्टेंसी जीरो से कोर कम हो गए, मैंने स्टेंसी वाटर इन एवरी फूड इज फ्रोजन मोस्टली. हर फूड में जो वाटर है फ्रोजन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जो अल्कोहल है या जूसेस हैं, आप इन्हें मैंने जीरो सी भी कर देना तो ये बर्फ नहीं बनते. हालांकि इनका जूसेस का जो ज्यादातर पार्ट होता है वो पानी ही होता है. पानी जितनी भी फूड के अंदर, किसी भी चीज के अंदर अल्कोहल है, जैसा भी पानी हो, मैंने स्टेंसी तक फ्रोज हो सकता है मोस्टली. लेकिन जीरो एफ या माइनस 80 सी तक आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये बेस्ट टेम्परेचर होता है. कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, उनके अंदर जैसा भी पानी है, जैसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, पानी जम जाता है. नेक्स्ट मेथड ड्राइंग है. ड्राइंग होता ही उन्हें देखिए, आपने किस चीज को ड्राई करके ना उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर लिया है, जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया वहां सर्वाइव नहीं कर सकता. ईद पर ध्यातु में आपने देखा होगा वो जो बोटियां होती हैं उनको छोटा छोटा करके ना उन्हें छत पे रख देते हैं. कुछ दिन छत पे रखने के बाद उठा लेते हैं, लेकिन फायदा ये होता है वो फिर बोटी खराब नहीं होती. उसकी फायदा ये है कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है, वो सारा वाटर कंटेंट रिमूव हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो बोटियां, वो गोश्त काफी से सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट है एसिड. एसिड का यूज करके आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके दो तरीके हैं, या आप उसी फूड में एसिड बैक्टीरिया डाल दें या आप उसमें एसिड डाल दें. एसिड क्या है, जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक उसमें आपको टेस्ट थोड़ा सा महसूस होता है जबान को लगने वाला, वो क्या होता है, वो उसमें एसिड ही होता है जो उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व कर देता है. नेक्स्ट है शुगर एंड साल्ट. चीनी और साल्ट से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको दो टर्म्स समझनी होगी. एक है शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन का मतलब है वाटर और चीनी मिक्स है, गाढ़ा सॉल्यूशन है. दूसरा है साल्ट सॉल्यूशन, इसमें नमक और पानी मिक्स है, इसे ब्राइन कहते हैं. अब जो मीट्स वगैरह हैं, सीरियल्स हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए आप साल्ट यूज करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन यूज करते हैं, और जो मीठी चीजें हैं उनके लिए शुगर यूज करते हैं. होता यूं है कि कोई जो जेली मीठी चीज है, फ्रूट्स हैं, उसे आप चीनी के सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो फ्रूट के अंदर पानी है वो चीनी के गाढ़े सॉल्यूशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से पानी 80% से कम हो जाएगा उस सेब का जो ऑलरेडी था, उस जेली का जो ऑलरेडी था, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकेंगे और वो चीज स्टोर सेव हो जाएगी. इसी तरह साल्ट सॉल्यूशन का भी है, यानी कि ब्राइन का भी है. जो चीज आप अंदर रखेंगे उसका जो पानी है ब्राइन सॉल्यूशन में आ जाएगा.
नेक्स्ट प्रिजर्विंग मेथड स्मोक है। स्मोक क्या होता है? धुआं होता है। आप किसी भी चीज को धुएं में रख दें तो धुएं में जो केमिकल होते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरे मटेरियल्स होते हैं उस चीज को सेव कर देते हैं। दूसरे एग्जांपल धुएं में स्मोक में जिस चीज से आ रहा होता है इसमें किसका टेम्परेचर भी राइज होता है, टेम्परेचर राइज करने की वजह से उसको ड्राई भी कर देते हैं। नेक्स्ट है एटमोस्फेरिक कंपोजिशन। आपने एटमोस्फेयर की कंडीशन को चेंज कर, देखें दो तरह के होते हैं, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अब आपके फूड में ऐसी चीजें हैं जो एरोबिक हैं, अगर आप वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें या उस चीज को उठा के आप वैक्यूम में रख दें तो वो चीज ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है केमिकल्स। आप डिफरेंट केमिकल्स भी यूज करके अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे बहुत केमिकल जानते हैं जिसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं लेकिन वो मोस्टली यूज नहीं होते क्योंकि हेल्थ को इश्यू है। सेकंड पॉइंट है परमिटेड केमिकल्स इन लो क्वालिटी है सोर्बिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, इथाइल फॉर्मेट, इटीसी। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोर्बिक एसिड इज इफेक्टिव एट इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ मोल्ड, जो मोल्ड होते हैं ये भी एलजी वगैरह की तरह होते हैं, इनकी ग्रोथ को रोक देता है। सोडियम बेंजोएट यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है, तो ये प्रिजर्वेटिव भी हैं। रेडिएशन, जो डिफरेंट तरह की रेडिएशन होती हैं ये भी फूड को प्रिजर्व कर देती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका माइक्रो ओवन है या ऑटोक्लेव्स है, इनसे डिफरेंट तरह की रेडिएशन निकलती हैं जो फूड को प्रिजर्व कर देती हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स को डिस्कस करते हैं। दीज केमिकल कंपाउंड एंड प्रिवेंट फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल। जब भी एंटीऑक्सीडेंट्स की बात हो गया आप कहेंगे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को रोकना है। फ्री रेडिकल क्या है ये आगे देखेंगे। सेकंड डेफिनेशन, सब्सटेंस स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट सेल बॉडी ऑफ फ्रूट एंड ह्यूमन, चाहे इंसान है चाहे फ्रूट है उसके बॉडी उसके हिस्से को हमने ऑक्सीडाइज नहीं होने देना। एक्सप्लेनेशन में आप करने लगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब क्या है। ह्यूमन बॉडी सेल इज नेचुरल इक्वली कंटेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। देखिए एटम हमारा जो बॉडी के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं छोटे छोटे पार्ट हैं वो एटम से मिलके बने हैं। एटम ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है। वेन सेल आर एक्सपोज टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टेक प्लेस एंड सेल इज ब्रोकन। अब मेरे बॉडी का कोई जो सेल है जब उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाएगी और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाएगा। तो आप आसानी के लिए यूं समझें ऑक्सीडेशन का मतलब है उस सेल से उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अब एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके कम हो गए, चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। व्हेन ऑक्सीडाइज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री टू मूव कॉल्ड फ्री रेडिकल। जब कोई एटम ऑक्सीडाइज होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आजाद दाना मूव करते हैं जिसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं। प्रॉब्लम राइजेस व्हेन फ्री रेडिकल्स ट्राई टू अचीव नियर देयर ओल्ड स्टेट ऑफ स्टेबल कन्वर्टिंग द स्टेबल सेल ऑफ द फ्री रेडिकल। देखिए आप शक्ल में देखें आपको एक एटम नजर आ रहा है, उसकी दो स्टेज हैं ए और बी। ए एक हेल्थी एटम है, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि इसके शेल का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए। आखिरी डिसीजन का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन निकल जाना। अब पहले इसके 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मसला अब स्टार्ट होगा। ये जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है ये कहता है नहीं नहीं मैंने वैसे स्टेबल होना है जैसे मैं पहले था, तो ये और एटम का इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करता है। इर्द गिर्द जितने भी एटम्स हैं जो उन सब का इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं, नतीजे में ये किसी और का इलेक्ट्रॉन खींच के खुद तो 8 पूरे हो जाते हैं लेकिन जो बाकी एटम है उसका एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। फिर वो इर्द गिर्द के जो एटम्स हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, ये एटम सेल में है। तो इस तरह एक लॉन्ग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की स्नैचिंग का। फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से सेल के फैट के जो पार्ट्स हैं वो बैडली डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब कंडीशन ये जो कंडीशंस हैं आप आइडिया करेंगे कितने खतरनाक हैं। फर्स्ट है डिटोरेशन ऑफ आई लेंस दैट लीड्स टू आई ब्लाइंडनेस, जो बंदा अंधेपन की बीमारी है वो फ्री रेडिकल्स के वजह स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, जो आपके ज्वाइंट्स में दर्द है। डैमेज टू नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन एज अल्जाइमर्स डिजीज।
एल्डर्स मीट इज ऐसे है कि आप परमानेंट, आपकी जो मेमोरी है वो आप खोने लगते हैं, आप परमानेंट चीजें भूलने लगते हैं, ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आपकी मेमोरी फिर रिटर्न हो नहीं सकती। ये एल्डर्स मीट डिसेंसिस है, ये भी इसी एंटी ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ एजिंग प्रोसेस, कुछ लोग जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन का शिकार है। फिर सर्टेन कंसर्न्स ट्रिगर्ड बाय सेल डीएनए, अब डीएनए की अगर ऑक्सीडेशन हो जाती है तो काम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन से काम खराब हुआ तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये वो हैं जो ऑक्सीडेशन ना करने दें। ये कैसे नहीं करने देंगे ऑक्सीडेशन में, एक मसला समझ आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल रहा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं ताकि जो सेल हैं जिनके इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और काम खराब ना हो, जो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ है वो स्टॉप हो जाए। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि अब हम क्या खाएं, हमने अंधा नहीं होना, हमने अपनी याददाश्त नहीं खोनी, तो ये तकरीबन हर तरह के आप फूड खाएं, उसका फायदा ये होगा कि किसी में कुछ विटामिन्स है, किसी में कुछ मिनरल्स है, किसी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये यूज करेंगे आप बच जाएंगे। अगर आप फूड रिच एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें, कौन से हैं जिनमें फूड रिच एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप चाय ज्यादा पीते हैं तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इनटेक करते हैं, आप अंगूर खाएं, नट्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करें तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने लगे। एट द एंड यही कहूंगा, अगर आप सीएसएफ में स्टूडेंट्स और डिफरेंट अकेडमीज के हाफ स्कोर निकल देते तो सिंपल हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत आसानी होगी, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।